हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये सब्सक्राइब बटन दबाकर और इस बेल आइकन को प्रेस, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगे कि ये आपको जानना चाहिए वो आप तक आसानी से पहुंच सके। सो इस लेक्चर में हम समझेंगे कि मेथड ओवरलोडिंग, हम किसी भी मेथड को ओवरलोड कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। गाइस, ओवरलोडिंग का सिंपली मीन्स होता है कि हम किसी भी एक चीज़ को एक से ज़्यादा जगह यूज़ करें अलग अलग तरीके से। और मेथड ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि हम एक मेथड मीन्स एक नाम के मेथड को अलग अलग जगह यूज़ करें अलग अलग रिजल्ट लाने के लिए। सो मैंने यहाँ एक मेथड बनाया है सम नाम का, जो दो पैरामीटर्स लेगा एक्स और वाई, और रिटर्न क्या करेगा, उन दोनों का सम। तो अगर हम इसमें दो इंटीजर वैल्यूज को पास करेंगे तभी ये चलेगा, यस और नो। तो मैंने यहाँ लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन और फिर सम, और मैंने लिखा 2,3, तो हमारा आंसर आएगा 5। तो हमारा आंसर आया 5, जो कि दो इंटीजर्स का सम था। और अब हम चाहते हैं कि हम इसी सम नाम के मेथड में दो डबल वैल्यूज़ का सम निकालें। तो अब हम इस मेथड को ओवरलोड करेंगे। तो मैंने एक और मेथड लिया, कॉपी पेस्ट की, और यहाँ पर लिख दिया डबल। और इनकी जगह भी मैंने कर दिया डबल। तो अब क्या होगा, अगर हम इस इंटीजर की जगह कुछ और पास करते हैं, मीन्स 2.4 और 3.5, तो अब रिजल्ट क्या आएगा, इन दोनों का सम, कि ये वाला सम इस सम को कॉल करेगा। और अगर हम यहाँ इंटीजर लिखते हैं तो ये वाला कॉल होगा। तो आप देख रहे होंगे इधर आया डबल प्रोग्राम, सम डबल एक्स और डबल वाई को कॉल किया गया है। और अगर हम यहाँ कुछ भी नहीं लिखते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक इंटीजर वाला और एक डबल वाला, कि हमें किस वैल्यू को पास करना है। तो मैंने यहाँ पास किया 2,6। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ आया 1 of 2, मीन्स हमारे पास यहाँ दो ऑप्शंस थे कि हम डबल का यूज़ करें या फिर इंट वाला। तो हमने यहाँ इंटीजर वाला यूज़ किया है 2,6, तो सिंपली हमारा आंसर आएगा 8। सी गाइस, और वहीं हम यहाँ दोनों जगह कुछ डबल वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं। और अब इसे रन करते हैं, तो अब क्या आया, उन डबल वैल्यूज का सम। और अगर हम चाहते हैं इस सम वाले मेथड की हेल्प से हम दो स्ट्रिंग को ऐड करें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ सिंपली स्ट्रिंग लिख देंगे। तो अब क्या होगा, हमारा रिटर्न क्या होगा, एक्स स्ट्रिंग और वाई स्ट्रिंग। तो मैं सिंपली यहाँ दो स्ट्रिंग लिखता हूँ, हाय प्रोग्रामर्स। सो अब मैं इसे रन करता, इसमें आप देख रहे होंगे 1 of 3 आया है, यस और नो, कि हम इन 3 सम नाम के मेथड को यूज कर सकते हैं। तो अब हमारा क्या आउटपुट आया, हाय प्रोग्रामर्स, बिकॉज हमने दो स्ट्रिंग को ऐड किया है। सो आई थिंक आपको मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम मेथड ओवरलोडिंग प्लस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पर कुछ न्यूमेरिकल्स मीन्स कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे।